है। सर आप एक और रिक्वेस्ट है कि साइड में जो गोजों के हालात है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, वहाँ पर लोग डूब चुके हैं, बिल्कुल डूब चुके हैं। अलावा जो मेयर में जो साइड एरिया भागीचांडिया एक गांव है वहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एसपीआर रावलपिंडी से रब्ता किया था, यहाँ की सूरत हाल के बारे में बताया था, यहाँ पर जो सूरत हाल है खेंशा में डिस्ट्रिक्ट दादू की साइड में मैंने उनको वो बताया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कराची आर्मी का नंबर दिया, कराची आर्मी की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एंड टाइम पर आकर मेरी मदद की और उसके अलावा उन्होंने मेरी बात सुनी, शुक्रिया। मैं कोर कमांडर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, कराची कोर कमांडर की, जिन्होंने मेरे कहने पर यहाँ पर आकर लोगों को रेस्क्यू किया। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर जो मसला कर रहे थे उनसे बात की और मुनासिब रेट पे लोगों को यहाँ से अपनी अपनी सेफ जगहों पर मुंतकिल किया। अभी यहाँ पर पाक आर्मी मौजूद है, पाक आर्मी के ऑफिसर्स मौजूद हैं जो यहाँ पर लोगों को सेफ जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं और उसके अलावा सब लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ से जामशोर और हैदराबाद और कराची की तरफ रवाना हैं। यहाँ से यहाँ पर और भी आर्मी के ऑफिसर्स पाक आर्मी मौजूद है, जो लोग फंसे हुए हैं साइड में वहाँ पर बोट्स और वहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर वो उन लोगों को भी अपनी सेफ जगह पर रेस्क्यू करेंगे। मैं उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया पाकिस्तान आर्मी, शुक्रिया पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद। जी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब को, कोर कमांडर कराची, और उन तमाम जवानों को जिन्होंने दुआ को रेस्क्यू किया, उसकी फैमिली को रेस्क्यू किया दादू से। अल्लाह पाक का सबको जजाय खैर दे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, उन जवानों को बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ की फैमिली को भी बहुत बहुत मुबारक हो। जिन्दावार, 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 जिन्दावार।